चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। शिल्पी नेहा तिर्की भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। आदरणीय दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल मरांडी जी का रिकॉर्ड रहा है उपचुनाव नहीं जीतने का, वो रिकॉर्ड कायम रहेगा। उपचुनाव के परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। अभी भी कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की 11वें राउंड में भी 11,243 वोट से। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। शिल्पी नेहा तिर्की भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, और जो जनता का रुझान दिखाई देता था और जिस तरह से आदरणीय दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल मरांडी जी का रिकॉर्ड रहा है उपचुनाव नहीं जीतने का, वो रिकॉर्ड कायम रहेगा। लगातार सिर्फ बयानबाजी करके और जनता को धोखा देने का प्रयास ये ज़रूर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। लगातार ये हमारा 5वां चुनाव होगा जिसमें हम लोग, इनकी जब डबल इंजन की सरकार थी तब भी ये हारते थे, अब भी हारे हैं, आगे भी हारेंगे। तो कांग्रेस किस तरीके की जश्न मनाएगी अगर कांग्रेस जीत जाती है? देखिए, जश्न तो हम लोग पहले ही से मना रहे हैं। अब चुनाव जीतते ही फिर हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ बिटिया को घुमाना है और कहाँ तक ले जाना है। तो जश्न तो मांडर की जनता के लिए है कि मांडर की जनता ने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना है जो लगातार उनके साथ खड़ी मिलेंगी और वो सदन में होंगी। उनके पिता बंधु तिर्की हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सड़क पर होंगे, तो हमें लगता है कि जो मांडर की जनता है उनके लिए हमेशा ये जो 2.5 साल का चुनाव जो हुआ है उसमें लोग जश्न मनाते ही रहेंगे। गठबंधन धर्म के लिए कितना? देखिए, गठबंधन धर्म के लिए तो निश्चित रूप से जिस तरह से सभी लोगों ने मिलकर के चुनाव प्रचार प्रसार किया उसका परिणाम सकारात्मक आया है, ये अलग बात है कि बंधु तिर्की जी पहले भी 23,000 वोट से जीते थे, उनकी एक अपनी अलग पहचान है। बावजूद सभी लोगों ने सहयोग किया, गठबंधन के साथी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने पूरा समय दिया अपना, और नॉमिनेशन से लेकर के अंतिम दिन के चुनाव प्रचार तक वो लगातार बने रहे और पूरी पार्टी के नेता एकजुट होकर के काम किए हैं। निश्चित रूप से इसका परिणाम सुंदर आएगा। शिल्पी नेहा तिर्की भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। आदरणीय दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल मरांडी जी का रिकॉर्ड रहा है उपचुनाव नहीं जीतने का, वो रिकॉर्ड कायम रहेगा। मांडर उपचुनाव के परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। अभी भी कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की 11वें राउंड में भी 11,243 वोट से। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। शिल्पी नेहा तिर्की भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, और जो जनता का रुझान दिखाई देता था और जिस तरह से आदरणीय दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल मरांडी जी का रिकॉर्ड रहा है उपचुनाव नहीं जीतने का, वो रिकॉर्ड कायम रहेगा।